अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड में जो सियासी घमासान चल रहा है उसे लेकर एक कटाक्ष किया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे पर हरीश रावत ने चुटकी ली है और कहा है कि बीजेपी की सरे चौराहे भद्द पिट गई, प्रदेश में विकास के काम ठप पड़े हुए हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री न केवल एक हास्यास्पद व्यक्तित्व बनकर रह गए हैं बल्कि पूरी बीजेपी की सरे चौराहे भद्द हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और अब वो गवर्नर को इस्तीफा देंगे। हालांकि पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी की दलगत निष्ठा की बात हो सकती है लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि न वो पहले संवैधानिक आवश्यकता को समझ पाए और न अब संवैधानिक आवश्यकता को समझ रहे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री न केवल एक हास्यास्पद व्यक्तित्व बनकर के रह गए बल्कि सारे भाजपा की भी सरे चौराहे भद हुई। मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को और अब वो गवर्नर को इस्तीफा देंगे। खैर ये उनकी दलगत निष्ठा की बात हो सकती है लेकिन एक बात स्पष्ट है, न पहले वो संवैधानिक आवश्यकता को समझ पाए और न अब संवैधानिक आवश्यकता को समझ रहे हैं। भाजपा ने इन लगभग 4.5 साल के अंदर राज्य को भयंकर बेरोजगारी दी, अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न कर दी, विकास के काम ठप पड़े हुए हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति में निरंतर गिरावट आ रही है और कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई और छोड़िए टेस्टिंग घोटाले जो हरिद्वार में हुआ उसने हमारी राज्य की साख को ही बट्टा लगाने का काम किया। भाजपा को इन सवालों का जवाब उत्तराखंड के लोगों को देना पड़ेगा, चाहे वो किसी को मुख्यमंत्री बना ले।